हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्त कुमार और हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए। आज से बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखिए जो भी यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि इस कॉलेज में थर्ड ईयर का लेसन है वो स्टार्ट हो गया है, तो सबको ये वीडियो कहते ना कि शेयर कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट से और इस चैनल से जुड़ जाए। बिल्कुल, हम शुरू कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट। और पेपर नंबर फर्स्ट में आपको पहले ही मैंने बता दिया सिलेबस क्या है, और अब पेपर फर्स्ट में हम जो पेपर अपना फर्स्ट होगा ना आपका एग्जाम का, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उसका ही हम यूनिट फर्स्ट से लेसन फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। और फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना ये, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी अपने बात करें कि फॉरेन पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानेंगे, उसके अर्थ वगैरह सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे पॉइंट पहले रख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों जानना है, यानी इसका महत्व क्या है। हम अपने इस पेपर में अपना जो पेपर नंबर ये कौन सा है, फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने पेपर में, अपने जो बीए अपने थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इस टॉपिक को जोड़ा गया, यानी क्या महत्व है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, आपके सामने पहले पॉइंट रख दिए हैं ताकि आप सीधा सा इसको नोट कर सको और हम इस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें कह रहा है, हम देख रहे हैं महत्व को, क्या देख रहे हैं, महत्व को। तो महत्व हमें पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना, यानी हमें अपने परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या से गुजरना पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए तो ऐसी समस्या आए या आने वाली है तो उसके पहले हम उसके लिए पर्याप्त रूप में साधन ढूंढ ले आते हैं। मान लीजिए कि भाई अकाल पड़ने वाला है तो उसके लिए हम पहले से ही व्यवस्था करते नहीं करते, वही। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि समस्या आने वाली है तो उन समस्याओं से निपटे कैसे, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझना जरूरी है। हमें हमारे अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रखना है आने वाली पीढ़ी में, हमें अपने एक अपने खुद के फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना होगा, तभी हम अपनी विदेश नीति को भी अच्छे से कारगर बना सकते हैं। तो मैं यही कह रहा है पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के तहत उनके समाधान को ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानना जरूरी है, कि एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध है, राजनीतिक हुआ, आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध का जो क्राइटेरिया होता है, तो उससे संबंधित समस्याओं को जानना हो तो हमें ज़रूरी है क्या समझना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व, वर्ल्ड रिलेशंस, यानी बात करें बहुत सारे देश से, तो इन देशों के बीच में कॉमन चीज क्या है, किस तरह से ये देश आपस में एकजुट होते हैं, क्या तत्व हैं जो इनको बांधे रखता है, तो इस तरह से हम यही बात करते हैं कि विश्व के लिए जो मेन आधारभूत तत्व क्या हैं उनसे हमें पहले परिचित होना चाहिए। तो जब ये कब होगा, विश्व की जब भी हम रणनीति, विश्व के किसी भी तर्क को पढ़ रहे हैं, विश्व राजनीति के ऊपर हम जान रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को देख रहे हैं, मतलब टोटल मिला के ये देखें ना कि हम अपने देश के लिए देखकर पूरे वर्ल्ड की चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानना अति आवश्यक है, उनसे समझना, उनसे परिचित होना जरूरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानना। विश्व शांति का आधार, बिल्कुल, मान लीजिए कि हम और बाकी देश के लोगों ने भी विश्व संबंध और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाया है, सभी देश और उनके नागरिक ये चाहते हैं कि हम अपने और अपने देशों के साथ, अपने बाकी देशों के साथ अच्छे से रहें, तो इसलिए एक दूसरे के प्रति वार्तालाप, संगति, संबंध वगैरह सब पता होना चाहिए। मेरा मेरे दूसरे परिवार के साथ संबंध कैसा है, अगर अच्छा है तो हमारा ताल्लुकात अच्छा होगा, और ऐसे ही सभी रहेंगे तो एक समाज अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे विश्व शांति, यानी विश्व के अंदर झगड़े वगैरह होना, ये कब होता है, जब एक देश दूसरे देश के बातों को नहीं समझ पाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या ईगो आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि दूसरे एक दूसरे के संबंध को समझना है, एक देश के एक देश और दूसरे देश से क्या डिमांड है, क्या मांग है, क्या किस तरह का अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तो ये सब हमें जानना है
और इस जानने के आधार पर ही विश्व में शांति कायम हो सकती है। तो विश्व में शांति कायम करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छे से समझना होगा, ये आप ध्यान रखना है। फिर विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना, विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल, जो सभी विश्व यानी विश्व के सभी देशों को एक साथ सही रास्ते पर लेके जाए, ऐसी हेड गवर्नमेंट बनानी है। तो इसलिए हर देश को इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझना होगा कि अगर हम अच्छे से रहेंगे, हमारे बाकी देश अच्छे से रहेंगे तो हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, जैसे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, तो कहीं ना कहीं इसको हम विश्व सरकार भी कह सकते हैं। तो हम और हमारे बाकी देश अगर अच्छे से व्यवहार करें तो इन सभी के ऊपर जो विश्व सरकार होगी वो अच्छे से अच्छा काम कर सकती है। तो ये बिल वह अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बलबूते पे ही कायम हो सकता है। और विदेश नीति का अध्ययन करना, बिल्कुल हमें अपने विदेश नीति के अध्ययन को समझना है या विश्व विदेश नीति का अध्ययन करना है तो उससे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानना जरूरी होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति है, अब इसमें क्या तत्व हैं, क्या अगर कमी है तो क्या है, तो ये चीज़ें बाहर निकालने के लिए हमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानना होगा, इसके बाद ही हम अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखे थे, इस पॉइंट से हमें ये चीज़ें यहाँ पे अभी तक पता लग गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों पढ़ना है या क्या ज़रूरी है इसका। तो ये जो पॉइंट आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे हैं, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफ़ी चीज़ों को सहूलियत देते हैं विश्व राजनीति में या विश्व शांति स्तर पर एक शांति मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर पूछा जाए तो कि भाई अगर कोई कहे कि अर्थ क्या है इसका, हमने ये तो समझ लिया, अर्थ बताइए। आशय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे बार बार हम ये भी बात कर ही रहे थे, एक देश की अंतर्गत जो भी रणनीतियाँ पॉलिसी या जो भी नवीन नवीन विचार जो होते हैं, और उस विचार उस परिस्थितियों के साथ वह दूसरे देशों के राजनीति, दूसरे देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से कैसे तालमेल बैठाता है, इनको जानना ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यही होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का संबंध और किस तरह से वो रणनीतियाँ बनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये सभी हमें जो समझना है यही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर व्यवहार और उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे, शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे अर्थ बताया है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ ले या ऐसा कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया, ये वर्ड अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया, तो आप ध्यान रखने, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपको नाम पता होगा, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम पहला शख्स है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शब्द को गठित, अंतर्राष्ट्रीय शब्द को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। तो ये तो शब्द, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वर्णन पुस्तक में करने वाला विद्वान कौन सा, यानी एक ऐसा विद्वान का नाम जो सबसे पहले उसने अपनी पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का उसकी अपनी पुस्तक में भी यूज किया गया है, तो वो आपको लिखना है। 1990 के मैं विद्वान की बात करूं, 1990 के पॉल रिक्स पॉल रिंग्स की एक पुस्तक है, ये जो पुस्तक इसने लिखी, इस पुस्तक के अंतर्गत उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कहा है, तो आपको लिखना है। और इस तरह से इसने अपनी जो रचना लिखी उसका नाम भी था, इसकी पुस्तक का भी नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो अब आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा, एक आध हम परिभाषा भी यूज करेंगे और आपको समझाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अभिप्राय विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध।
शॉर्ट और संक्षिप्त में कहना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध को जानना, यही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समझ में आया? अब इसको हम लॉन्ग में और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संक्षिप्त अर्थ तो ये होता है। अगर व्यापक अर्थ में अगर देखें तो राजकीय संबंध के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उनके देशों के राष्ट्रों के आपसी संबंधों के पहलुओं का वर्णन करते हैं, चाहे वे राजनीति हो, गैर राजनीति हो, शांति में, युद्ध में हो, कंपनी कानूनी हो या सांस्कृतिक, आर्थिक हो या भौगोलिक, सरकारी हो गैर सरकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम विभिन्न पक्ष पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो ये व्यापक रूप में होता है। अब हम ये जानने वाले कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अपना जो टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत इसको समझेंगे। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, ठीक है ना, वो प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न बिल्कुल, ठीक है। वापस दोहरा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आप बताइए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैं आपके सामने यही अभी बताऊँगा, ये आप ध्यान रखना। मैंने अर्थ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो हम इस पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको यहां पे समझाएंगे। आपने अगर ये देख लिया इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मन भर के कमेंट करिए। हमारे पास आपका फीडबैक आना चाहिए कि हमने आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया, कि आपकी संतुष्टि मिली या नहीं। वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि सर को पता लगे कि कौन देख रहा है वीडियो। बिल्कुल, तो ये हमें तभी पता लगेगा जब आप कमेंट करेंगे, आप देख लिया, आपको समझ आ गया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो पर कमेंट करें। और सबसे ज़रूरी, मुझे वापस पर्सनली मिलना है तो उसके लिए भी मेरे पर्सनल चैनल पर भी आ सकते हैं, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये स्पेशली पॉलिटिकल के लिए ही समर्पित चैनल भी है। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। तो ये जानिए, मैं आपको यहाँ पे यही समझा रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी फर्क भी है, काफ़ी डिस्टेंस अंतर भी है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के पहलुओं का वर्णन करता है। अगर इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे मैंने बताया था, तो ये विश्व के आपसी देशों के परस्पर संबंध को व्यक्त करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, शॉर्ट में ही बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द जो है राष्ट्र के केवल राजनीतिक संबंध के स्वरूप पे कहा जा सकता है। तो इसका ये मतलब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र के राजनीतिक पहलू ओके। तो ये क्लियर हो रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत काफी ब्रॉड लेवल पर, व्यापक लेवल पर अध्ययन होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के संबंध आते हैं, जितने भी विषय पहलू बनते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सब्जेक्ट, वो क्षेत्र जिसमें राजनीति के बारे में डिस्कस हो रहा है। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के रूप में अगर समझें, आपको एग्जांपल के रूप में बताएं, तो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर
एक देश दूसरे देश के बीच संबंध भी अभिव्यक्त होंगे, उनके बारे में पता लगता है। तो जब भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच हो रहा हो या कोई दूसरा काम हो रहा हो, अगर वो वर्ल्ड लेवल दो देशों के बीच हो रहा है तब वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर गिना जाता है। क्योंकि अगर दो देशों के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसका कोई राजनीतिक महत्व है क्या? नहीं है। तो अगर दो देशों के बीच कोई चीज़ घटनाक्रम हो रहा है, उसके उस चीज़ उस घटना में उस विचार में राजनीतिक तत्व मौजूद ही नहीं है तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब विश्व के या अंतर्राष्ट्रीय के वे पहलू जिसमें राजनीति से जुड़े कुछ पक्ष मौजूद होते हैं तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है। तो इस तरह से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफ़ी व्यापक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संक्षिप्त है। ये हमने इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझ लिया। अब पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं तो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है। अभी जस्ट मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? संकीर्ण। समझ में आ रहा है? अगर क्षेत्र देखा जाए तो किसका क्षेत्र बड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी पहलू, सभी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अध्ययन के लिए आते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वही क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिसमें राजनीतिक तथ्य जुड़े हो, तो इसका मतलब ये खुद भी इसका हिस्सा है। तो ये व्यापक हो गया, ये संक्षिप्त हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विशेषणात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। इसको समझिए इस पॉइंट को, क्योंकि आपके ऊपर से जा रहा मुझे पता है। वर्णात्मक को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है एक वर्ल्ड लेवल पे होता है। एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा से बाहर जाकर स्थापित किए जाते हैं संबंध, वो भी समझे जाते हैं। इन सभी संबंधों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है, अधिकांश ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत सबसे ज़रूरी ये है कि उन संबंधों को ही एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक क्या फ़र्क है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वह घटना जिसमें कोई राजनीतिक तत्व मौजूद हो और उस घटना में संघर्ष भी मौजूद हो। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि वह राजनीति जुड़ा पहलू जिसमें संघर्ष तत्व मौजूद हो, जिसका विश्लेषण किया जा सके, तो वह राजनीतिक विश्लेषणात्मक होगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक कहलाती है, क्योंकि इसमें हर किसी के मध्य एक तर्क होता है एक जिसमें संघर्ष किया जा सके। लेकिन ये वर्णनात्मक होता है, इसमें विश्लेषणात्मक के ज़्यादा वर्णनात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, वर्णनात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ओके, जैसे हम देखें तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये दोनों अलग होते हुए भी कुछ चीज़ें इनमें कॉमन है। यानी ये तो इसका अंतर देखा हमने, क्या देखा था? अंतर देखे या असमानता, क्या देखे? असमानता, ठीक है। अब दूसरा, इन दोनों के मध्य समानता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच संबंध देखने से पहले दोनों के बीच क्या समानता है वो जानते हैं। तो पहला, विषय सामग्री के आधार पर दोनों में समानता है। समझ में आ रहा है? विषय सामग्री का मतलब ये है कि दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो इन दोनों में जो विषय है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी दोनों का अध्ययन क्षेत्र एक ही है, वो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड। तो इस तरह से एक कॉमन चीज होगी फैक्टर इसमें। दूसरा, लक्ष्य की दृष्टि से। अगर
लक्ष्य देखे हैं, इनका लक्ष्य क्या है उस दृष्टि से देखें तो दोनों के लक्ष्य में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समानता मतलब उदाहरण के लिए देखें तो शांति स्थापना का प्रयास ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को भी निर्भर करता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो क्या है, शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, हर दोनों का एक ही उद्देश्य है, वर्ल्ड लेवल पे पीस शांति बनाए रखना। तो दोनों एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, शांति की स्थापना, शांति इनका एक लक्ष्य है वर्ल्ड लेवल पे। और तीसरा अगर समानता देखें तो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर भी ये समान है। प्रकृति यानी इसका नेचर, दोनों का नेचर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु राज्य द्वारा संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं हो जाता। तो इस तरह से दोनों का उद्देश्य राजनीति से जुड़ा हुआ ही कहीं ना कहीं होता है। अगर संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। अगर हम देखें तो खुद ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पहलू जुड़ा हुआ ही है। इसमें राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी ऑलरेडी शामिल होती है। इस तरह से और मार्गेंताओं और कैनेट थॉम्सन ने जैसे विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताया है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब तरह के संबंध आ जाते हैं, यानी राजनीतिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से जो भी क्षेत्र वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने ये देखा। तो ये इस फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, वी मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।